अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक विद पैशन। आज मैं आपके साथ सिंपल मटन बिरयानी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस तरह की परफेक्ट मटन बिरयानी बनाने के लिए आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी जो परफेक्ट बिरयानी बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें और इन स्टेप्स को फॉलो भी करें, तो आपसे भी परफेक्ट बिरयानी बनकर तैयार होगी। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मटन बिरयानी बनाना। इसके लिए मैंने यहाँ एक प्रेशर कुकर में एक कप तेल को गर्म कर लिया है। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर गर्म किया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें एक तेज़पत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, 6 लौंग, एक काली इलायची, 4 हरी इलायची और 8 काले मिर्च ली हैं मैंने। अब जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इन खड़े मसालों को उसमें डाल देंगे, जिससे इनका फ्लेवर तेल में आ जाए। तो अब हम देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया है। इन मसालों को डालकर क्रैकल होने देंगे। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के वो भी डाल रही हूँ। इसको मैंने पतले स्लाइसेस में काट लिया है और अब हमें इस प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करना है। तो आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करें तो परफेक्टली गोल्डन होती है, और अगर आप हाई फ्लेम पर करेंगे तो प्याज कभी कभी जल जाती है और कुछ कच्ची रह जाती है। तो इस तरह से आप मीडियम फ्लेम पर करेंगे तो परफेक्टली गोल्डन कलर आएगा एक सा सभी प्याज में, ये देखिए इस तरह से। तो इसी से मैं थोड़ी सी गार्निश के लिए भी निकाल रही हूँ। इसको अलग रख देंगे, इसको हम लास्ट में बिरयानी की लेयरिंग में यूज़ करेंगे। ये देखिए कितनी परफेक्टली गोल्डन हुई है, बराबर से सभी प्याज में कलर आया है। तो इससे डार्क हमें नहीं करना है। अब इसमें हम 1 किलो मटन, मैंने अच्छे से धोकर इसको स्ट्रेनर में रख दिया था, इसका पानी निचुड़ गया है, तब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये 1 किलोग्राम मटन है। अब इसको हमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसके साथ बहुत अच्छे से भून लेना है। लहसुन अदरक डालकर भूनने से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको 4 से 5 मिनट तक हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। इसको चलाते हुए हमें भूनना है, उसके बाद ही हम इसमें आगे के मसाले डालेंगे। तो जब तक हमारा मटन भुन रहा है तो हम एक मसाला तैयार कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 1/2 कप फिटा हुआ दही लिया है, ये ताज़ा दही है। अब इसमें मैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, साथ ही 1 टीस्पून भर के इसमें लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से इस दही के साथ मिक्स कर लेंगे, इसे हम आगे मटन में डालेंगे। तो ये तैयार करके मैंने रख लिया है, इसको साइड में रख देंगे। अब चलिए हम मटन की तरफ चलते हैं। इसमें मैंने 1.5 टीस्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। साथ ही मैंने 5 हरी मिर्च ली थी, उनको पीस लिया है, उसका पेस्ट भी इसमें डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो आप चाहें तो बारीक काट के डाल दें या इस तरह से इसको पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा चला देंगे और इसके बाद इसमें हम अपना तैयार किया हुआ जो दही के साथ मिक्सचर था वो डाल देंगे। ये मसालों का जो मिक्सचर हमने दही के साथ तैयार किया ये भी इसमें डाल देंगे। इसको डालने के बाद अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है जब तक दही का पूरा पानी सूख न जाए, और ये हमें हाई फ्लेम पर ही भूनना है। तो फ्लेम को हाई कर लें और इसको चलाते हुए बीच बीच में अब अच्छे से, जब तक इसका पानी पूरा ना ख़त्म हो जाए। ये देखिए अब इसका पानी बिल्कुल सूख गया है, तेल बिल्कुल सेपरेट हो गया है इससे। तो अब हम इसमें तकरीबन 1/2 कप पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि ये मटन हमारा अच्छे से टेंडर हो सके, क्योंकि हम अब इसको लिड लगा कर पकाएँगे कुकर की। तो मैंने लगभग 1/2 कप पानी इसमें डाल दिया है, और अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद हमें इसको हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाना है, उसके बाद फ्लेम को 10 मिनट के लिए लो करके पकाएंगे।
इतनी देर में हमारा मटन अच्छे से टेंडर हो जाएगा, तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपने चावल की तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 1 किलो बासमती राइस लिए हैं, इनको अच्छे से धोकर और 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया है। जब तक ये भीग रहे हैं तब तक हम बिरयानी के लिए पानी रखते हैं चावल को बॉईल करने के लिए। तो मैंने 5 लीटर पानी लिया है एक बड़े भगोने में। अब इसमें कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 तेज़पत्ते मैंने डाल दिए हैं। साथ ही इसमें 1 टीस्पून स्या ज़ीरा डालेंगे, 4 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 जावित्री का फूल और 2 दालचीनी के टुकड़े भी डाल देंगे साथ ही इसमें। अब इन मसालों को हमें इसमें डालकर बॉईल करना है पानी के साथ। इसी के साथ हम इसमें 4 से 5 हरी मिर्च भी डाल देंगे। और अब इसमें 5 टीस्पून भर भर के हमें नमक डालना है, बिल्कुल भरा हुआ स्पून आप नमक का डालें इसमें, क्योंकि हमने यहाँ 1 किलो चावल लिए हैं तो 5 टीस्पून परफेक्ट है। अब हम इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर इसको एक उबाल आने तक खौलाएंगे। तो अब देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। जब ये पानी खौलने लगे तो आप इसमें चावल ऐड कर दें। अब मैं इसमें चावल डाल रही हूँ अपने भीगे हुए, और इस पानी को हटा दिया है जिसमें चावल भीग रहे थे। अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे पानी के साथ। उसके बाद ढक कर इसको हमें एक बॉयल आने तक पकाना है। हमें चावल को 80% तक पकने तक पका लेना है। तो अब देखिए इसमें बॉयल आ चुका है, तो अब हम चावल को चेक करते हैं। ये देखिए हमारे चावल 80% तक पक गए हैं। तो फौरन हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको छान लेंगे और साइड में रख देंगे। अब बिरयानी के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। इसमें 1 टीस्पून स्या ज़ीरा, 1 टीस्पून सौंफ, 6 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 जावित्री का फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े और 6 लौंग, 8 से 10 काले मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा जायफल का लेंगे। जायफल का लगभग 1/8 हिस्सा होना चाहिए, वो मैं यहाँ दिखाना भूल गई हूँ, बाद में मैंने पीसने में उसे डाल दिया था। तो आप इन सभी को एक मिक्सी के जार में डालकर अच्छा सा इसका बारीक पाउडर तैयार कर लें। तो इस तरह से इसको मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया है, और अब मैं इसमें जायफल का टुकड़ा डाल रही हूँ। ये देखिए छोटा सा टुकड़ा डालेंगे, ये लगभग उसका 8वां हिस्सा है एक जायफल का। तो इसको डाल के भी हमें बारीक पाउडर पीस कर तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हमारा बिरयानी मसाला बिल्कुल रेडी है, इसे अभी साइड में रख देंगे। अब हम अपने प्रेशर कुकर को चेक करते हैं मटन को, तो इसका प्रेशर नेचुरली रिलीज़ हो गया है, तब मैंने खोला है। तो अब पहले हमें चेक करना है कि ये मटन गला है कि नहीं। तो इसके लिए आप एक पीस को उठाकर उसको तोड़कर चेक कर लें, और अगर इसमें थोड़ा पानी हो तो हाई फ्लेम पर इसको हमें सुखाना है। अब देखिए इस पीस को तोड़कर हम चेक करेंगे, ये देखिए बहुत अच्छे से गल गया है मटन। अब जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है उसे सुखाने के लिए हम फ्लेम को हाई करके और इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसी टाइम हमने जो बिरयानी मसाला बनाया है वो इसमें डाल देंगे, पूरा बिरयानी मसाला। ये 1 किलो के लिए मैंने पीसा था, तो इसको इसमें डालकर अब इसको 2 मिनट तक पकाएंगे मसाले के साथ भी। ज़्यादा देर हमें इसको नहीं पकाना है, क्योंकि ज़्यादा देर पकाने से मसाले को इसकी खुशबू उड़ जाती है, इसलिए सिर्फ 2 मिनट इसको पकाएंगे और हमारा बिरयानी की ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। अब चलिए फ्रेम को बंद कर देंगे और हमारी बिरयानी की ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब बिरयानी की हम लेयरिंग करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले ग्रेवी का थोड़ा सा तेल नीचे डाल दिया है, उसी भगोने का मैं यूज़ कर रही हूँ जिसमें हमने चावल बॉयल किए हैं। अब इसमें चावल को 3 हिस्सों में बांट लेंगे। पहले एक हिस्सा डालेंगे, एक लेयर लगा देंगे चावल की, उसके बाद हम इसके ऊपर अपनी आधी ग्रेवी डाल देंगे इस तरह से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की और भी बिरयानी की रेसिपीज़ आप मेरे चैनल पे भी देख सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें 2 लेयर्स लगा देंगे,
पूरी ग्रेवी अब मैंने डाल दी और इसके ऊपर चावल भी पूरे यूज़ कर लिए हैं। अब लेवल करके इसके ऊपर मैंने 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर लिया है और उसको 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर में घोल लिया है, वो डाल देंगे। साथ ही इसमें जो तली प्याज हमने निकाली थी वो भी गार्निश कर देंगे ऊपर से, और कुछ पुदीने के पत्ते भी डाल देंगे, इससे थोड़ा बिरयानी में फ्रेशनेस आती है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल दें या स्किप भी कर सकते हैं। अब इस पर एक कपड़ा डाल के इसके ऊपर से इसका ढक्कन लगा देंगे और कोई हैवी चीज़ इसके ऊपर से रख देंगे दम लगाने के लिए। तो हमको इसको पहले 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाना है, फिर लो फ्लेम पर 25 मिनट के लिए पकाएंगे, और जब ये पक जाएगा तो 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे गैस बंद करके। अब 10 मिनट हो चुके हैं तो मैं इसको खोल रही हूँ। ये देखिए कितनी परफेक्ट हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है। अब इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है ऊपर नीचे इस तरह से, बिल्कुल लाइट हाथों से करिएगा वरना आपके चावल टूट भी सकते हैं। ये देखिए कितने खिले खिले बिल्कुल परफेक्ट बने हैं और बहुत ही अच्छी इससे खुशबू आ रही है। तो आप भी इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। अब देखिए कितनी अच्छी सी बिरयानी हमारी तैयार हुई है, तो चलिए इसे सर्व करते हैं। आप इसको रायते के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरह की और भी बिरयानी की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एकदम परफेक्ट बिरयानी बना सकते हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।